कोई बुरा नहीं होता है, संस्कार अपनी जगह पे हैं और मॉडर्निज्म अपनी जगह पे है, लेकिन जब बात परिवार की आती है तो हमारे लिए परिवार सबसे बड़ा होता है, इसलिए जो परिवार में सूटेबल होगा वही घर में आएगा, मतलब रुचिता ही रहेगी आपके, ये आपको शो बता सकता है। थैंक यू सर। रोलिंग, सबसे पहले आपका परिचय, आपका नाम? मेरा नाम है शिवम खजूरिया। शो में आपका नाम? शो में मेरा नाम है निहार गोयल। निहार, आज के सीन की बात करें, क्या सीन चल रहा है आज? तो सर, आज का सीन है जैसे कि निहार गोयल जो मेरा कैरेक्टर है वो बड़ा केयरलेस आदमी है, तो उस चक्कर में उसके पापा जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो पापा स्ट्रिक्ट हैं तो उन्होंने उसको अल्टीमेटम दे दिया है कि बेटा अब अगर आपको अच्छा लाइफस्टाइल जीना है, अच्छा रहन सहन, कपड़े पहनने हैं, तो आपको ऑफिस आके काम करना पड़ेगा और पैसे की वैल्यू आपको समझनी पड़ेगी, पैसे की अहमियत। तो अब वो ऑफिस में आ गया, अब उसने काम किया, लेकिन उसको मतलब समझ नहीं आया, एक आदमी जो फर्स्ट टाइम एक बंदा काम कर रहा है, केयर फ्री आदमी, वो समझ नहीं पाया काम को, जम नहीं रहा। तो अब उसने क्या किया, उसके पापा आए तो उन्होंने देखा कि वो सोया हुआ है, तो पापा ने बोला कि बेटा ये तुमसे ये उम्मीद थी, तो मैंने उनको कहा कि मेरे को एक असिस्टेंट दे दीजिए, तो मेरा एक आदमी तो इतना काम कर नहीं पाएगा, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी असिस्टेंट्स के इंटरव्यू ले रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा रंगीन मिजाज का आदमी हूँ, तो मैं मोस्टली एक मॉडल्स देख रहा हूँ अपने इंटरव्यू के लिए, अपने असिस्टेंट के लिए, अच्छी अच्छी मॉडल्स, अच्छे अच्छे फेसेस। पढ़ाई लिखाई मेरे लिए मैटर नहीं करती, बट अच्छी सुंदर लड़की होनी चाहिए, वो मैटर करती है मेरे लिए। तो मैं अभी इंटरव्यूज़ ले रहा हूँ और दो लड़कियाँ, जैसे अभी सीन में था, दो लड़कियाँ थी, उसमें से मुझे किसी एक को चुनना था, तो मैंने एक को चुन लिया। अब उतने में पीछे से पापा आ गए और पापा ने बोला कि नहीं, तुम्हें चाहिए थी ना एक लड़की जो ज्वेलरी बिजनेस के को एक औरत के लड़की के व्यू पॉइंट से समझ सके, तो अब उन्होंने एक लड़की चूज़ की मेरे लिए जो है रुचिता। रुचिता हमारे श्रीधर जी, जो रुचिता के फादर हैं, वो हमारी कंपनी में ऑलरेडी काम करते हैं। तो रुचिता जी की लड़की आपको ऑफर की आपके पास? हाँ जी, तो उनकी लड़की हमारे अब यहाँ पर सेक्रेटरी, मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनकर आएगी। तो मैं बड़ा उदास हो गया, परेशान हो गया कि यार मैं तो ग्लैमर देख रहा था और ये तो भाई अलग ही चीज सीन आ गया। तो बस उसी चक्कर में मैं परेशान हूँ, पापा को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पापा नहीं, सुंदर लड़की चाहिए, सुंदर लड़की चाहिए, बट अब ये सीन यहीं पर ख़त्म हुआ कि प्यार मोहब्बत हो गई है, दूसरी तरफ संस्कारों की बात, दूसरी तरफ संस्कारों की बात हो गई, और संस्कार पापा चाहते हैं और हम तो प्यार मोहब्बत वाले आदमी हैं। तो इसमें क्या ट्विस्ट आएगा शो में आज, अगर बात करें तो? जी आज ये ट्विस्ट आएगा कि सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यही है कि जो निहार ने सोचा था कि एक सुंदर सी, खूबसूरत सी, टॉल कन्या, चार्मिंग ब्यूटीफुल कन्या आएगी, और वो कन्या तो आई नहीं, वो हमारी रुचिता जी आ गई, जो कि बिल्कुल ही ऑपोजिट है, एकदम संस्कारी, चश्मा वश्मा वाली, एकदम सीधी सादी लड़की, जो कि मेरे को तो ऐसे लोग बिल्कुल पसंद ही नहीं है निहार को। तो सबसे बड़ा ट्विस्ट यह आ गया, वो मेरी लाइफ में आ गई, अब वो मेरे ऑफिस में आ गई, मेरी सेक्रेटरी बनकर आ गई, अब वो पूरे दिन मेरे साथ ही रहेगी। मतलब हाँ, तो अब मैं कुछ भी काम करूंगा तो वो मतलब लगा लो कि खबर ही है मेरे पापा की, पापा को बताएगी, और अब मैं फंस गया, अब मुझे थोड़ी और दिमाग से, ध्यान से अपनी शैतानियों को रंग में लाना पड़ेगा। और क्या तिगड़मबाजी कर रहे हैं आप इस बारे में अभी? क्या सोचा है? देखो, तिगड़मबाजी अभी वो तो आगे वाले सीन में पता चलेगा, बट अभी मैंने यही सोचा है कि किस तरीके से पतली गली से मैं रुचिता का काम खराब करूं और उसको निकालूं अपने ऑफिस से, और अपने मनपसंद की जो सेक्रेटरी है वो रखूं अपने लिए। और दिवाली कैसे सेलिब्रेशन रहेगा दिवाली का? दिवाली का सेलिब्रेशन सर अपने यहाँ सेट जो फैमिली है मेरी, इन्हीं के साथ ही रहेगा, अपनी सेट वाली फैमिली के साथ, और यहाँ पर हम थोड़ा सा सेलिब्रेट करेंगे, पूजा वूजा करेंगे, मिठाई खाएंगे, और भगवान को खास दिवाली रहेगी जैसे शो में, जैसे आप लीड में हैं। जी सर, मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट दिवाली है ये मेरे लिए, एंड इस दिवाली पे मैं कोशिश करूँगा कि जितना भगवान का शुक्रिया कर सकूँ, अपने आसपास के लोगों का शुक्रिया कर सकूँ, उतना कम होगा मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, और ये ऐसा कैरेक्टर है जिसको मैंने अपने अंदर ढाल लिया, तो मुझे भी मज़ा आ रहा है ये प्ले करने में, एंड आई थिंक ऑडियंस को भी मज़ा आएगा। आज के सीन में कौन कौन है? आज के सीन में मैं हूँ, दो मेरी जो मॉडल्स जिनको मैं हायर करूँगा वो हैं, होने वाली असिस्टेंट्स जो नहीं होंगी, कम गर्लफ्रेंड्स जो पापा मामला ख़राब कर देते हैं, हमारे नरेश जी हैं मेरे पापा जो बने हैं, एंड रुचिता है जो हमारी मेन लीड एक्ट्रेस है, एंड बाकी रुचिता है आज। तो रुचिता का किरदार क्या है इसमें अभी? रुचिता का किरदार इसमें यही है कि जब पापा बुलाते हैं कि तुम्हारे लिए एक नई असिस्टेंट आई है,
तो वो एंटर करती है दरवाजे से मेरे ऑफिस में एंड मैं देखता हूँ अरे यार ये अब तो मर गए। तो रुचिता का किरदार ये है कि वो आएगी और वो सोचेगी कि अब वो जैसे मुझे 5-6 बार मिल चुकी है एंड मतलब हमारी कहीं ना कहीं हम किसी जगह पे टकराए हैं और हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। तो अब वो सोचेगी अरे यार मैं कहाँ फंस गई अब इनके चक्कर में, ये तो बिल्कुल ही केयरलेस आदमी है। हालांकि वो मुझे पसंद भी करती है बट उसको पता है कि मैं किस तरीके का आदमी हूँ, खुश मिजाज रंगदार आदमी हूँ। तो वो भी थोड़ा फंस जाएगी कि ये नौकरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।